الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالا ان بي في بحر غم بغرق خذ يدي يا سيدي سلم ما اشغالنا يا سيدي سلم ما اشغالنا يا سيدي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا معبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك وخاتم النبيين. هزار بار بشكر دهن بمشكر غلام ونور زمان تكفتن كمال بيربيس نغمة كجا ومن كجا ساز سخن بهانايس سوي كتار كشم ناقاي زمان غلام लिखता हूँ खुले दिल से ये अल्फाज हमारी बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है बस को यकीन अपना तो ये अकीदा है बस को यकीन बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाकया है कि ज़ात खुदा के बाद मेरे नबी पे हक नहीं अजमत के सिलसिले हाजिर सामने अपने कदम मोहतरम उलमाए किराम उज़्ज़ामाए मिल्लत और अजीम इल्मी दर्जगाह के शहीनों और प्यारे तालिबे इल्म साथियों, आज की ये बड़ी फिक्र अंगेज नशिस्त दस रोज़ा है जिसका एक सिलसिला आज जारी है। उससे कबल भी उलमा तशरीफ लाए और बाद में भी उलमा तशरीफ लाएंगे। मैं तहरीक ख़त्म नबूवत का एक करना सा कारकुन हूँ। पहले की बात की वजाहत करता चलूँ कि नाम हुआ क्योंकि और इसके बाद में भी लिखा है मेरे नाम के साथ प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ और तरीके अपने नबूवत का एक करना सा कारकुन हूँ। दुनियावी एतबार से मेरा तारुफ एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का मैं नंबर खत्म कर दिया लेकिन प्रोफेसर नहीं हूँ। दूसरी बात शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहब और उनके साहबजादे अल्लामा मौलाना साहबजादा अता मुस्तफ़ा चिश्ती साहब का जिन्होंने लुत्फ किया तो मैं आज हो गया। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना जामे मंजूर जनाब रज़ान मुस्तफ़ा और जुमला जिनकी मैं असमाय मुबारक से शनासानी हूँ सबको सलाम मोहब्बत है। आज की गुफ्तगू मिला तमीन इब्तदाई चंद कलेबात के बाद अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है हयात मसीह अलैहिस्सलाम और रद्द मंजर। हयात
हयात मसीह पे मैं सबसे पहले सादा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी एक अपनी आदत है कि मैं बुजुर्ग छोटे अपने जैसे साथियों से लेके शुरू करता हूँ ताकि महफिल में बैठने वाला आज छोटा सामयिन जो है वो दूसरे मुस्तक हो। तो बाद में फिर कलायत की बात चलेगी तो जिसको जो जो मुनासिब लगे वो नोट भी कर सकता है। तभी इतनी शिक्षा चुकी आप किसी की बैठे हयात मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में आदि इस्लाम का अकीदा है। तो आप सिलसिला नबूवत में हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले आपकी विलादत हुई और आपकी बेसत हुई, आप कोई यहूदी कत्ल करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने आपको महफूज किया उनके कत्ल से, आसमानों पर उठाया और इस वक्त भी वो मुफस्सरीन और अहदीस की रोशनी में जो चौथे आसमान पर हैं और कुर्बे क़यामत उनका नज़ूल होगा और वो बादशाह और हाकिम होंगे, सल्तनत कायम करेंगे, अदल कायम करेंगे, जीत को कत्ल करेंगे, शरीर को तोड़ देंगे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी और फिर वो नबी होंगे लेकिन ऐलान नबूवत नहीं करेंगे, दावे नबूवत नहीं करेंगे, शरीयत इसी पर अमल नहीं करेंगे और ना ही इंजील की तालीम देंगे बल्कि कुरान की तालीम देंगे और कुरान इस्लामी शरीयत मुहम्मदी के पाबंद होंगे और उसी पर उनका निकाह होगा और फिर वो अमन अदल और इंसाफ से पूरी दुनिया को भर देंगे और वो दज्जाल जो आएगा उसको बाब लुत्फ पर कत्ल करेंगे। कोई तफसील तलब है, मैं उसका इख्तसार सादा पेश कर रहा हूँ कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो हुज़ूर की उम्मत ही होंगे, कलमा भी हुज़ूर का पढ़ेंगे और हुज़ूर की शरीयत पर भी अमल करेंगे, लेकिन नबूवत का मनसब आपके पास मौजूद होगा। ये एक मुख्तसर सा खाका मैं अपने जैसे तालिबे इल्मों की नज़र कर रहा हूँ। अब इसके कादियानियों का तसव्वुर क्या है? ये तो है अहले इस्लाम का तसव्वुर, ठीक है ना, हज़रत ईसा अलैहि सलाम सूली नहीं दिए गए, कत्ल नहीं हुए, यहूदी कत्ल करना चाहते थे, उन्हें सूली देना चाहते थे, उन्हें मारना चाहते थे, उनकी जान के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत कामिला हिकमत की बिना पर उन्हें अपनी तरफ आ लिया। मिर्ज़ा ये कहते हैं कादियानी तबका उनका यह अकीदा सुनिए सादा से अंदाज में, फिर दलाइल पे बात आगे बढ़ेगी। उनका सादा सा यकीदा है नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और जिस मसीह के दोबारा आने की पिछली हुई हदीस में दी जाती है उनके बकौल वो ईसा इब्ने मरियम ने नहीं आना बल्कि वो मिर्ज़ा कादियानी मसीह मौऊद बन कर दोबारा आ चुका है। लिहाजा अब जिसने हुज़ूर की पिछली हुई के मुताबिक उस मसीह को मानना है वो मिर्ज़ा कादियानी को मान लें, वही मसीह मौऊद बनकर आ गया है। अब उनका ये कहना है और वो इसी बुनियाद पर सारे उनके जो फितना है, जो मज़हब जिसको बोलते हैं, उसकी बुनियाद इसी पर है कि वो मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मौऊद मानते हैं और वो उस पर वो तावीज़ें करके दलीलें जो मिलाते हैं। आज की नशिस्त में हम इस्लाम का जो तसव्वुर अकीदा है हयात मसीह का वो हम कुरान से वक्त मिला तो आज से मुबारक से उसकी मिलाद करूँगा और फिर आज सादा अंदाज में वैसे तो उसके बहुत से गोशे हैं, बहुत सी जहतें हैं, हर एक आयत पर उनके बहुत से अजीब सी तावीलें हैं, अजीब से इतराज़ हैं, हर एक आयत पर डिस्कस करेंगे तो बात कई नशिस्तों पर चली जाएगी। तो आज एक नशिस्त में हमने एक अंदाज में हयात मसीह की हकीकत को कुरान की रोशनी में जाँचना है और दूसरा हमने कादियानियत का जो ये अकीदा है कि ईसा मसीह मौऊद मिर्ज़ा कादियानी है। तो मैं आज आपको मिर्ज़े के नौ जो वाकफ हैं, नौ उसके दावे, वो सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी के मुतालिक वो मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबसे छोटा बच्चा जो इस नशिस्त में बैठा है वो भी दो जमा दो चार करके बता देगा कि मिर्ज़ियत का ये झूठ सूरज से भी ज़्यादा वादे है, इसमें कुछ शक करने की कोई दूसरी राय बाकी नहीं। ये मेरा इब्तदाई थोड़ी सी बातें थी जो मैंने अपने जैसे तालिबे को शेयर की। अब आए एक मैं बुनियादी सा दिवाचा आपके सामने रखना चाहूँगा कुरान मजीद का।
कुरान मजीद की आयत मुबारक सूरह मुबारक सूरह नहल है आयत नंबर 24 है, निकले आप जाके उसको तिलावत कर लेंगे। उसका तर्जमा मफहूम यह है कि हमने उतारी तुझ पर किताब इस वास्ते कि खोल कर सुना दे तू उनको वो चीज जिसमें वो झगड़ रहे। इसका सादा सा तर्जमा, अब मैं उससे मफहूम आपको और सादा अंदाज में पेश करना चाहूँगा। अल्लाह करीम कुरान मजीद के नाज़िल करने का एक उसकी मकसदियत बयान कर रहा है कि ये कुरान जो है हमने महबूब आप पर इसलिए उतारा है कि ताकि तुम इसे खोल कर बयान करो जिन चीज़ों पर ये लोग झगड़ रहे हैं, यानी अहले किताब जितने भी हैं जिन जिन अकायद पर जिन जिन बातों पर वो झगड़ते हैं बहस करते हैं उनके लिए ये कुरान हकम का दर्जा रखता है और अल्लाह ताला ने सारे अहकाम को खोल कर इसमें बयान कर दिया। ये तो है आयत करीमा। अब मिर्ज़ा कादियानी जो है जिसने खुद को बहुत से दावे किए उसका इस आयत के बारे में भी यही कहना है, वो अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 453 में मिर्ज़ा कादियानी इस आयत का तर्जमा करते हुए और साथ लिखता है कि वाक़ई कुरान जो है वो अहले किताब के दरमियान हकम का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला ने किन बातों में पिछली कौमों या पिछली उम्मतों के झगड़े थे अल्लाह ने उनको वादे तौर पर खोल कर बयान दिया। ठीक हो गया। एक बात कुरान की आयत को मान रहा है आम मिर्ज़ा कादियानी कि कुरान मजीद आया ही पहली उम्मतों और अहले किताब के लिए दरमियान हकीकत को खोल कर बयान करने के लिए, ये बतौर हकम है फैसला है। और दूसरा एक और हवाला देने रखेंगे तो बात आगे थोड़ी सी लेके चलूंगा। मिर्ज़ा कादियानी और हमारे दरमियान ये एक अकीदा मुतफ़क़ अलैह बन गया है, यहाँ पे हमारा इस पर अकीदा है कुरान के बारे में कि कुरान पिछली उम्मतों और अहले किताब के दरमियान हमारे दरमियान हकम का दर्जा रखता है और इसने जो भी गलत फहमियाँ हुई जिस बात पर भी उसूली और अकायद पर बात हुई कुरान ने उनके लिए वाज़ह अहकाम खोल के बयान किए और बतौर हकम और फैसला किया। हम इसको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पर मिर्ज़ा कादियानी का मैं हवाला कोट करने जा रहा हूँ, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स उसका मंथली रिसाला है 1919 में उसका रिसाला छपा, द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स अप्रैल में, शुमारा नंबर 9 है, जिल्द नंबर 18 है, सफ़र नंबर 149 है। इसमें मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है, ये बात हमारा बड़ी समझने से ताल्लुक रखेगी। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि अब हम देखते हैं, मैं लफ्ज़ी उसकी इबारत पढ़ रहा हूँ, अब हम देखते हैं कि वाकई सलीम से मुतल्लिक कुरान शरीफ क्या कहता है। अगर ये खामोश है तो पता चला कि यहूद नसारा अपने ख्यालात में हक पर हैं। इबारत सुनने के बाद उसको थोड़ा सा मैं खोलूंगा, समझिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने यह मान लिया कि कुरान अगर ईसाइयों के इस अकीदे के बारे में कुछ कहता है तो फिर भी पता चल जाएगा, अगर खामोश रहता है तो फिर खामोशी तयन होती है चूंकि, तो फिर समझा जाएगा कि यहूद नसारा का यह अकीदा ठीक है। क्या अकीदा है? सलीब के बारे में। अब देखना यह है कुरान पाक में कि सलीब के बारे में कुरान क्या कहता है। और मिर्ज़ा कादियानी यहाँ तक उसूल वादा कर गया कि कुरान अहले किताब के दरमियान जो मामला झगड़ा है उस पर कुरान खामोश रह जाए तो तायद होती है, और अगर उसकी खिलाफ कोई अमर आ जाए हुक्म आ जाए तो फिर वो जाहिर है वो बात गलत होती है। इसमें जो बुनियादी चीज़ एक निकली है ना वो ये है कि कुरान मजीद पहली अहले किताब के दरमियान किसी गलत अकीदे पर अगर खामोश रहता है तो इसका मतलब है वो अकीदा गलत नहीं है उनका, ठीक है, और अगर कुरान ने उसकी नफी कर दी है तो वादे हो गया कि वो अकीदा उनका गलत था। मिर्ज़ा कादियानी ये बात मान गया बड़ी आसानी से बड़ी सादा अंदाज में कि कुरान अगर किसी आले किताब के मामले में खामोशी इख्तियार करे किसी बात पर तो वो बात ठीक समझी जाएगी, और अगर गलत होगी तो कुरान उसके बारे में कोई ना कोई हुक्म कुरान का वादे नाजुल हो जाता। और अब शरीफ के बारे में उसकी मिसाल दी है कि शरीफ के बारे में देखते हैं कुरान क्या कहता है, वाकई शरीफ के बारे में तो
कुरान ने क्या कहा, मां कतल हो बाबा सनक हो, वादी आयत आ गई, वो ना कतल किए गए ना सुने दिए गए। अब मैं बात थोड़ी सी पीछे से फिर लेके जाना चाहूंगा, जिस अमल के बारे में कुरान खामोश रख रहे थे, फकत खामोश, वो मामला, वो बात अहले किताब की दुरुस्त होगी, और अगर गलत होगी तो कुरान के बारे में नफी का ऐलान कर देगा। ईसाइयों के पांच अकीदे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो चले आ रहे थे, जिन पर अहले इस्लाम के दरमियान झगड़ा होता था, पहला अकीदा है कि वो उलूहियत मसीह के कायल थे, वो कहते थे कि हजरत ईसा ही खुदा है। बात समझ आ गई, इस पर मेरा ख्याल है दलील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मुसलमा सी बात है और वो लोग उसको उनकी किताबों में साबित है और आप लोग उसके बारे में जानते हैं, वक्त को बचा दे और आगे पढ़ूंगा। पहला उनका अकीदा है कि उलूहियत मसीह हजरत ईसा इला है, यही खुदा है। और दूसरा उनका अकीदा था कि बनीयत मसीह का, ये खुदा के बेटे हैं, बाद ईसाई आप भी कहते हैं खुदा के बेटे हैं। और तीसरा उनका अकीदा है तसलीस का, यानी तीन खुदाओं का वो अकीदा रखते हैं कि तीन वजूदों में खुदा मौजूद हुआ, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह, ये हुदूद उनका अकीदा तसलीस का अकीदा है। चौथा अकीदा उनका सलीब और कफारा का, वो अकीदा रखते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़ गए, ये ईसाइयों का अकीदा था, वो मान गए थे कि यहूदियों ने हजरत ईसा को सूली चढ़ा दिया। और पांचवा अकीदा ईसाइयों का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ आसमान पर गए और इस जिस्म के साथ ही आसमान से वापस लौटेंगे, पांच को ईसाइयों के अकायदे। अब कुरान करीम से पूछते हैं जिसके बारे में मिर्ज़ा कादरी भी मुतफिक हुआ कि कुरान बतौर हाकम है एक किताब के दरमियान, और कुरान जिसके बारे में खामोश रह जाए वो बात सच्ची है, और जिसके बारे में कुरान नफी कर दे वो बात गलत है। अब कुरान से पूछते हैं तो सूरह अल माईदा आयत नंबर 72 आयत में अल्लाह करीम ये आयत करीमा नाज़िल फरमाता है, लक़द कफ़रा अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्नु मरियम, ठीक है, ताकि उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने ये कहा कि मसीह इब्नु मरियम अल्लाह है। तो उलूहियत का जो अकीदा था ईसाइयों का, उसका अल्लाह ने रद्द कर दिया, कुरान ने रद्द कर दिया कि हजरत ईसा अल्लाह नहीं है, ठीक हो गया। अब दूसरा ईसाइयों का अकीदा इब्नियत मसीह, केवल अल्लाह के बेटे हैं, मसीह अल्लाह के बेटा है, तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत 30 के अंदर उसका भी रद्द कर दिया, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ने उसका भी रद्द कर दिया, दो अकीदे का रद्द हो गया। तीसरा अकीदा उनका था कि वो सलीब दिए गए, सूली चढ़ाए गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने उसका भी रद्द कर दिया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए ना वो सूली चढ़ाए गए, रद्द हो गया सलीब का भी। हाँ, तसलीस चौथा अकीदा, तो अल्लाह ताला ने तसलीस का भी सूरह अल माईदा आयत नंबर 73 में रद्द कर दिया कि ये जो निसारा कहते हैं कि तीन खुदा है उनका भी रद्द अल्लाह ताला ने कर दिया। फिर सुनिए, उलूहियत मसीह का भी रद्द हो गया, इब्नियत मसीह का भी रद्द हो गया, और तसलीस के अकीदे का भी रद्द हो गया, और सलीब पर चढ़ाए जाने का भी रद्द हो गया। पांचवा अकीदा रह गया हजरत मसीहों का, ईसाइयों का पांचवा अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वजूद जाहिर से आसमान पर गए और इसी वजूद जाहिर से जमीन पर आएंगे, ये पांचवा अकीदा। अब देखना कुरान इसके बारे में खामोशी इख्तियार करता है या इनकार करता है। उसूल तो ये है कि जैसे पहले चारों का इनकार किया कुरान ने खुलकर, पांचवा भी अगर गलत अकीदा है ईसाइयों का तो कुरान को उसका रद्द कर देना चाहिए। मैं पूरी दुनिया मसीहियत को चैलेंज कर रहा हूं आज इस जामिया के तलबा की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में, इस सोशल मीडिया के जरिए, इस चैनल के जरिए पूरी दुनिया के मसीहियों को, चाहे वो रबी हो या कादियानी हो या मसीही हो या लोरी हो, तमाम को मशहूर चैलेंज करता हूं, कुरान मजीद की 6666
जो अल्फाज मैं बोल रहा हूं और जो अल्फाज ईसाइयों का अकीदा था कि मसीह आसमानों पर गए वजूद के साथ गए और वजूद के साथ वापिस आएंगे। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? आइए मेरे पास इस वक्त जो मौजूदा बाइबल है ना, वैसे तुम्हारा अकीदा है कि ये मनसूख हो गई, इसके अंदर बहुत सारा नसक पैदा, बहुत सारी उन्होंने आयतें निकाल दी, बहुत ज्यादा उन्होंने जो केवल लोहियां उनको शामिल कर लिया, ऐड कर लिया। हमारा जो अंजील असल थी वो इस वक्त महफूज नहीं है, उसकी अपनी जुबान ही महफूज नहीं है, तो उसका जो पूरी की पूरी बसत होगी वो कैसे महफूज होगी? लेकिन जो इनके पास है, जो बची खची बाइबल इनके पास मौजूद है, उनमें से कुछ ना कुछ तो वो अकायद वो असल चीज है, कुछ बदल दी गई, कुछ उसके तराजम की सूरत में बाकी रह गई। तो ये वो जो इस वक्त पुराना और नया अहदनामा है ईसाइयों का, ये मेरे हाथ में मौजूद है, नया और पुराना, जिसको तौरात और इंजील, इंजील अरबा कहते हैं, इंजील यूहन्ना, इंजील मत्ती, इंजील लूका और इंजील बरनबास। नहीं, बरनबास अलहदा है, वो बरनबास जो है वो पांच की है, वो इसमें शामिल नहीं करते ईसाई। आपकी आवाज है तो मैं इसकी वजाहत कर दूँ, इंजील बरनबास को आज का ईसाई मानता भी नहीं है, वो उसकी इनकार करता है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि उस इंजील बरनबास में सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की बशारा दी गई थी, इस तासुब की वजह से। हालांकि चार बात वैसे मौजूद से हटके है तो इनकी आवाज में निकल आई, चारों इंजीलें जो है वो 1000 साल बाद लिखी गई। कितने बस तो ये कायदा से मजबूर है कि इनकी हकीकत क्या है, इनके अपने इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ये बात लिखी है कि ये जो चारों जो अपने आप को शागिर्द कहते हैं, अपने आप को हजरत ईसा के हवारी कहते हैं, ये इन्होंने हजरत ईसा का जमाने नहीं पाया, इनका अमेरिका के अंदर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा है, उसमें लिखा है। तो ये इन्होंने देखा और इसकी दलीलें बहुत मौजूद है, ये मेरा हाशिया लगा हुआ इसमें दाएं बाएं में, कि इसके अंदर इतने तादाद मौजूद है इंजील के अंदर कि ये खुद इलामी कलाम साबित ही नहीं हो सकती। निकाल के दिखा दे, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगी ये आयत, इस आयत का मफहूम वो कुरान से निकाल
वरना तो अकाबरीन ने इसमें 40-40 तलाए निकाले। पढ़िए अपना अलकाबिया अलकाबिया लामा मोहम्मद आलिम अमृतसरी साहब की, मोहम्मद आलिम आसी साहब की, उन्होंने 40 तलाए निकाले हयात मसीह पर। लेकिन यहाँ नशिस्त में मैं चंद एक अर्ज करूंगा जितना वक्त मुझे असर हुआ। अब के दिवाल से भी पहला जो मैंने अर्ज किया मतलब उसमें सादी सी बात है, अगर कुरान खामोश है तब भी उनका अकीदा सही है कि वो आसमान पर गए और आसमान से वापस आएंगे, और ये अकीदा कुफर भी नहीं है, अहले इस्लाम का भी यही अकीदा है। लेकिन कुरान सिर्फ खामोश नहीं है, बल्कि आइए मैं चंद एक आयत मुबारका बतौर बरकत के उनका तर्जमा कोट किए दूंगा। 10 आयत मुबारक, आज कादियानी शोर पीटते हैं, रोला डालते हैं, जनाब इसकी तो कोई हवाले नहीं है आसमान पर जाने का, कोई जिक्र नहीं है उस खाए जाने का, और वो तो मसलूक हुए, वो तो सूरी चढ़ा दिए गए जो उन्होंने कत्ल कर दिया था, तो ये तो फौत हो गए, अब उस ईसा ने दोबारा नहीं आना। 7 लोगों को वो तावील कैसे धंधे ऐसे पेच डालते हैं कि वो 7 बंदा जो होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको सरफनाम का पता नहीं, उसको कुरान की तालीम है नहीं, उसके पास दलाइल है नहीं, तो वो सादा सी बात समझ जाता है, कहते हैं यार बात तो उनकी ठीक है, ये जो दलील दे रहे हैं ये बात तो उनकी मतलब बड़ी वजन वाली है, हालांकि उसकी वजन की हकीकत ये होती है कि जरा वजन नहीं उस दलील में, वो तावील है बस। तो उनमें चंद एक मैं रस भी कर दूंगा, वो उनकी तावीलें और उसका रद्द भी कर दूंगा। लेकिन इब्तदा से पहले कुरान अगर खामोश हो जाए अहले किताब के मामले में ये बात ध्यान रखना, तो फिर भी वो उनका अकीदा सच्चा है। लेकिन यहाँ कुरान खामोश नहीं हो रहा कि हजरत ईसा आसमान पर गए वापस तशरीफ लाएंगे, वो कत्ल नहीं हुए, वो सूली नहीं चढ़ाए गए, इसके बारे में कुरान क्या कहता है। पहली आयत मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये इसका पस मंजर ये है कि यहूदियों का प्लान हो गया हजरत ईसा को कत्ल करना, यहूदियों का प्लान था कि हजरत ईसा को कत्ल करना, उन्होंने एक तदबीर बनाई, प्लान किया, मकरू उन्होंने मकर किया, तदबीर बनाई, प्लान कर दिया हजरत ईसा को कत्ल करना है, कैसे करना है, उन्होंने बड़ी खुफिया से साजिश बना ली। अल्लाह फरमाता है उन्होंने तदबीर की मकरुल्लाह, अल्लाह ने भी एक तदबीर बना ली, और क्या हुआ तदबीर दोनों की है, एक यहूदी की और एक अल्लाह की है। अब मैं कॉमन सेंस, मैंने भी एक मरले से मुनाजरा करते हुए ये सवाल पूछ लिया, मैंने कहा बताया यहूदी ताकतवर है या अल्लाह ताकतवर है, यकीनन अल्लाह ताकतवर है, मैंने कहा यहूदी की अब प्लानिंग मुकम्मल होगी कामयाब या अल्लाह की प्लानिंग कामयाब होगी, कहने का अल्लाह की कामयाब होगी, तो मैंने कहा फिर कुरान भी कह रहा है अल्लाह खैरुल माकिरीन, उसकी जो तदबीर है वो बेहतर है उस तदबीर से जो उन्होंने बनाई है, तो मैंने कहा अब यहूदी की तदबीर मुकम्मल कामयाब होगी या अल्लाह की, कहने का अल्लाह की, तो मैंने कहा तो फिर तो दलील दूसरी की जरूरत ही नहीं है, यहूदी हजरत ईसा को कत्ल करना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें बचाना चाहता है, अब ईमान से बता वो बचे या कत्ल हुए, बात तो सादी सी है, दो तदबीरें हैं, दो खुफिया प्लानिंग हुई है, एक यहूदी की और एक अल्लाह की है, तो अल्लाह की प्लानिंग यह है कि ईसा को बचाया जाए और यहूदी की प्लानिंग यह है कत्ल किया जाए, तो मैंने कहा कुरान खुद नतीजा दे रहा है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की जो तदबीर है वो बेहतरीन है, तो बता फिर कामयाब अल्लाह हुआ, अल्लाह ने बचा लिया ईसा अलैहिस्सलाम, तो फिर वो कैसे यहूदी कामयाब हुए, कैसे उन्होंने कत्ल किया, एक दलील अब इस पे बात उलमा ने की है, मैं शॉर्ट करता चलूँ थोड़ी सी। दूसरा इसका हिस्सा या ईसा इन्नी मुतवफ्फी का व राफ़िउका इलैका, ये आयत बड़ी अहम है, इसमें कादियानी जो है सादा मुसलमानों को बड़ा गुमराह करता है, कहता है कि देखो अल्लाह ताला फरमाता है ईसा मैं तुझे फौत दूंगा, मैं तुझे वफात दूंगा, फिर तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा, तो ये मुतवफ्फी जो है ये वफात है, इसमें बड़ी लंबी बात हो सकती है। मैंने कहा कि एक ही आयत में बहुत से सवाल है और फिर उसके बहुत ज्यादा जवाब है, लेकिन सादा सी बात मैं कहना चाहूँ कि मिर्जा कादियानी ने खुद इसका तर्जमा ये लिख दिया भले वक्तों में जब वो बंदे का पुत्र था, उसने ये लिखा कि ऐ ईसा मैं तुझे तेरी उम्र पूरी करूंगा और तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा, तो उम्र का पूरी करना, और ये जो है ना मुतवफ्फी का, इसमें पूरे कुरान में कहीं भी मौत का जिक्र नहीं है, मौत का माना नहीं है, मुतवफ्फी का माना ही वफा से है, और ये कब्जे में लेना और अपनी तरफ पूरा करना उसको, तो उसके इस मामले में तो मौत है ही नहीं, तो अल्लाह ताला इसी आयत के आगे वो आयत है, अब अगर अल्लाह मौत ही उसे देना चाहता है हजरत ईसा को और यहूदी भी यही देना चाहते हैं, तो फिर डंडा तो एक ही हो गया, इस सेंस को भी जरा समझिए, यहूदी भी मारना चाहते हैं और अल्लाह भी अगर उसे मारना ही चाहता है उसी वक्त, तो फिर वो क्या उनकी तदबीर क्या, तो फिर अल्लाह की तदबीर क्या हुई,
तू पूरा उम्र कैसे होगी, वो वादा पूरा कैसे होगा कि तू तुम्हारी उम्र को पूरा करूंगा और फिर उठाऊंगा। अब आगे तीसरी आयत है, इस तफ़्तो बनी इसराइल अनका, अल्लाह फरमाता है मैंने बनी इसराइल से तुझको रोके रखा, बनी इसराइल को तुझसे रोके रखा। वादे कि बनी इसराइल का वही उसी पसे मंजर में इसी आयत को भी देखिए कि मैंने बनी इसराइल से बनी इसराइल को हमसे रोके रखा, यानी वो मारना चाहते थे, वो कत्ल करना चाहते थे, तो मैंने उन्हें रोके रखा। तो इसका मतलब क्या है, उनका मकसद को रोकने का मतलब यह है वो मारना चाहते हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने उन्हें रोके रखा और तुझे मरने से बचा लिया। तीसरी चौथी आयत वही जो मारूफ आयत है, वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिहा लहू, ये मारूफ है ना कत्ल किए ना सूली चढ़ाए। यहाँ कहा गया नहीं, पता एक अजीब सा राह निकाल दे, कहते हैं जी कि नहीं, बात असल में ये है कि वो रूहानी तौर पर उनकी रूह जो थी ना उनको ऊपर उठाया गया था और दर्जा बुलंद करने के लिए, रफाए दराजात के लिए उठाया गया था। उन पगलों को ये पता नहीं है कि आम हालत में उठाना और दर्जा है और शहीद का नहीं उठाना तो उससे बेहतर दर्जा है, यानी किसी बंदे को आम मौत आ जाए वो अफजल है या शहीद होकर मौत आए तो वो अफजल है, तो सादा सी बात है ना। तो हजरत ईसा इस्लाम अगर मसलूब होते तो वो शहीद होते, अगर यहूदी उन्हें कत्ल करते तो वो शहीद होते ना, तो शहीद का दर्जा आम मौत से बेहतर है कि नहीं है। तो ये तो कम अकल लोग जो दर्जे की वजह से कहते हैं अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद करना था तो इसलिए उन्हें अपने ऊपर वो रूह को उठाया, जिस्म को नहीं। भाई रूह को तो ना कत्ल किया जा सकता है ना फांसी दी जा सकती है, फांसी और कत्ल दोनों वजूद के साथ है, तो अल्लाह ताला तो उसकी नफी कर रहा है, वमा कतलू हो वमा सलबू हो, ना वो कत्ल हुए ना वो सूली चढ़ाए गए, बल्कि उनके लिए तो तस्बीह बना दी गई, वो भूल गए, तो उन्हें अल्लाह ने उठा लिया, जिंदा आसमान जिंदा अपनी तरफ उठा लिया। और यहाँ पर भी यही इतराज है कि वो आसमान का लफ्ज मौजूद नहीं है तो आसमान किधर है, तो इसका तर्जमा खुद मिर्ज़ा क़ादियानी ने किया है कि वो आसमानों की तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में भी हवाले कोट करता था। उस वक्त आपको इन आयतों का जहन में होगा ना, तो फिर आगे मिर्ज़ा क़ादियानी की जब मैं इबारत पेश करूँगा तो आपको बिल्कुल कड़ी खुल जाएगी उसकी झूठ की। तो चौथी आयत के बाद पांचवी आयत अल्लाह ने फरमाया वमा कतलू यकीनन बल रफ़अ अल्लाहु अलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, सादा अंदाज में खोल के बयान कर दिया कि यकीनन का लफ्ज़ लगाकर इसमें और वज़ाहत कर दी कि अल्लाह ताला ने यकीनन फरमाया कि यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कतल नहीं किया गया बल्कि उनको उठा लिया गया अपनी तरफ। और जिसके बाद ये जो लफ्ज़ आया ना वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, वो अल्लाह अजीज भी है और हकीम भी है, अजीज मैंने गालिब है और हकीम मैंने हिम्मत वाला है, यानी ये हजरत ईसा खुद आसमानों पर नहीं गए बल्कि अल्लाह हमारे हमने उस अल्लाह के लिए उठाया, और वो जो अल्लाह है वो अजीज भी है और हकीम भी है, यानी वो गालिब है और हिम्मत वाला है। कैसे इतराज करते ना कुछ लोग कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर कैसे गए, ना तो दरवाजे हैं ना आसमान के कोई दरीचे हैं ना सीढ़ियां हैं, वो कैसे गए और फिर जन्नत और सला मकान से होकर कैसे वापिस आ गए, तो वो इतराज करते हैं ना, तो उनको जवाब सादे से अंदाज में पहली आयत के लफ्ज से मिल जाता है कि हुजूर ने खुद ये दावे नहीं किया कि मैं गया हूं, बल्कि ऐलान यह है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअम्रिही लैलन मिन अल-मस्जिदिल हराम, ये पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को, तो दावा तो रब का है उसने कराई है, तो वो तो हिम्मतों वाला है कुदरतों वाला है ताकतों वाला है, तो जिसने महबूब को सातों आसमान से ऊपर अर्श से ऊपर सैर करवाई है वही रब कह रहा है मैंने ईसा को यहूदियों से बचाया और उन्होंने कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने उसे अपनी तरफ उठाया, और जिसने उठाया है वो गालिब भी है और हिम्मत वाला भी। तो बड़ी बात है, सादा अंदाज में अपनी कुदरत का इजहार भी साथ फरमा रहा है कि ये काम मैंने किया है और मेरी कुदरत से कोई बैद नहीं है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर लेके जाऊँ या ना। और छठी आयत मुबारका इसमें बड़ी और वाज़ेह अंदाज में किसी का तसलसल आगे बढ़ रहा है, छठी आयत है अल्लाह फरमाता है वइन मिन अहल किताब इल्ला लियुमिनन बी कब्ल मौतिही व यौम यकूम व यौम अल-क़ियामत यकून अलैहिम शुहदा अलैहिम शहीदा। वाज़ेह के साथ अगर कुछ तलफ़ुज़ में गलती हो जाए, आप वाज़ेह कराम बैठे आपने तो फौरन गिरफ्त कर दी है, लेकिन मैं सादा अंदाज में इशारा करके तर्जमे की तरफ आता हूँ, नहीं गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, मैं तालिबे इल्म हूँ हाफिज़ नहीं हूँ आलिम भी नहीं हूँ, लेकिन बात समझा
कोशिश कर रहा हूं। इस आयत मुबारका का सादा सा तर्जमा यह है, अल्लाह फरमाता है कि तमाम अहले किताब, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी, तमाम अहले किताब उसकी मौत से पहले पहले, उसकी मौत किसकी, हजरत ईसा इब्ने मरियम की, उसकी मौत से पहले पहले उस पर ईमान लाएंगे और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले हर अहले किताब ने उन पर ईमान लाना है। मैं कादियानियों से पूछना चाहता हूं, क्या हर अहले किताब हजरत ईसा पर ईमान लिया है? योगी लिया है आदमी, नहीं लिया है योगी। और ईसाई भी तो उसने कायना अंदाज में ला रहा है ना, कभी अबनीयत, कभी तस्लीस और कभी उलूहियत, शिर्क के हवाले से है, कामिल ईमान तो वो भी नहीं लाया। तो हर अहले किताब का ईमान हजरत ईसा पर लाना ये उनकी मौत से पहले पहले जरूरी है। तो जो अभी बाकी है वादा, इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे, नज़ूल फरमाएंगे, तो उनके हाथ पे जब जिहाद होगा तो फिर हर अहले किताब उनके हाथ पर ईमान ले आएगा। अब सातवीं आयत पे आगे, आप उलमा हैं, उफाद है, सातवीं आयत तवज्जो करें, सूरह आले इमरान आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाता है युकल्लिमु नासु फिल महद व कहलन, यानी वो बातें करेगा कौन? ईसा इब्न मरियम, बचपन में और कहूलत में। ये दो बातें बड़ी कमाल की है, माँ की गोद में, महद में और कहूलत में बातें करेगा। अब माँ की गोद में 2 साल का बच्चा बातें करता है, किसी ने आज तक ताज्जुब किया? नहीं ना किया। बड़ा अहम इशारा आज का दिखा रहा हूँ, यानी 1.5 साल का बच्चा भी आजकल तो बोलने लग जाता है, वो भी पानी रोटी मांग लेता है, दूध मांग लेता है, 1.5 साल का बच्चा तो माँ की गोद भी होता है ना। तो 1.5 साल 2 साल का बच्चा कलाम करे तो ताज्जुब नहीं होता। लेकिन ये बात बड़ी कमाल की और ताज्जुब अंदाज में है कि वो बातें करेगा महद में और बुढ़ापे में। महद में बातें करना इस बात की तरफ इशारा है, उस वक़्त वो ऐसा बात करेगा जब किसी बच्चे ने उस दौर में उस वक़्त में बात नहीं की होगी। मतलब कि विलादत के फौरन बाद जब यहूदियों ने इल्ज़ाम लगाया कि ऐ मरियम तू तो पाक बाल थी, ना तेरी शादी हुई ना निकाह हुआ, ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो उन्होंने क्या कहा था? इशारा किया इस बच्चे से पूछो, तो उन्होंने क्या कहा था? माल आएंगी अब्दुल्ला पाक आलिय किताब और वजाना नहीं नबी का, मैं नबी बन कर आया हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। यानी उसका जवाब दिया तो जिस वक्त में हजरत ईसा ने कलाम किया वो ताज्जुब की बात है कि वो इतनी बचपन में बात करेगा कोई आम बच्चा नहीं कर सकता, और बुढ़ापे में तो हर कोई बातें करता है 70-80-90 साल की उम्र में, लेकिन हजरत ईसा पर जो बुढ़ापा आएगा उस पर जब आप बात करेंगे तो वो भी एक अजीब सा मौजाना कलाम होगा कि उस उम्र में कलाम करने की शायद वो इस्तेदाद नहीं होगी, लेकिन हजरत ईसा उस उम्र में भी कलाम करेंगे, कहूलत के उस हिस्से में क्या कर कलाम करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में माँ की गोद में कलाम करना और बुढ़ापे में कलाम करना दोनों का जिक्र है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम जवानी में आसमान पर उठाए गए, बचपन में तो उन्होंने कलाम कर लिया, माँ की गोदी में कलाम कर लिया, अब बुढ़ापे में कलाम अभी तक नहीं किया। ये आयत कह रही है कि वो बुढ़ापे में कलाम करेंगे, इसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नज़ूल फरमाएंगे, वो अपनी उम्र तभी पूरी करेंगे और बुढ़ापे में जाकर वो जब कलाम करेंगे तो इस आयत का पर पूरा पूरा अमल हो जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में भी कलाम फरमाएंगे। और इसके साथ ही मिली जुली आयत है वो सूरह मायदा की है, 110 आयत है, लेकिन वो क़यामत के दिन की आवाज़ है, अल्लाह ताला मुखातिब है क़यामत के दिन, जब वो इल्ज़ाम होगा तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, तो वो जवाब देंगे, तो वो इस अंदाज में कहेंगे तो कल्लमुन नास फिल महद व कहलन, यानी ऐसा याद करो मेरा वो एहसान जब तुम लोगों से बूढ़े में बातें करते थे और बुढ़ापे में भी बातें करते थे। तो इन दो आयतों में जो मुश्तरक चीज़ आई है ना वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बूढ़े में भी, माँ की गोद में भी कलाम करते हैं और बुढ़ापे में भी कलाम। तो बुढ़ापे में हजरत ईसा ने भी कलाम नहीं किया, ये दोनों आयतें इस बात की दलील है, गवाही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तशरीफ लाएंगे और उनकी उम्र में बुढ़ापा आएगा, कहूलत आएगी, फिर वो उस दौर में कलाम करेंगे, इसका जिक्र अल्लाह ने दो आयतों में किया है। और फिर आगे नामी आयत है इन्नहू लइल्मुन लिस्साअत, ये तो ईसा क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो है।
ہے وہ دوبارہ آسمانوں سے نزول فرمانا یہ قیامت کی نشانی ہے. اور مسند احمد کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب یہ نو آیتیں ہوگی, بات کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. دسویں آیت عشور یوم عشور کی نسبت سے دسویں آیت پہ قرآن آیات کا تسلسل ختم کرتے ہیں. ویسے بہت سے دلائل اکابرین نے درج کیے ہیں. دسویں آیت سورۃ توبہ کی آیت 21 کی والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. اس آیت پہ آپ ذرا توجہ کریں گے تو لطف لیں گے. اس کی تشریح میں اپنے پلے سے یعنی اپنے اکابرین سے نہیں کروں گا, علماء اہل سنت کے علماء اسلام سے نہیں کروں گا. اس آیت کی تشریح جو ہے وہ مرزا قادیانی کی کتاب سے کرتے ہیں. مرزا قادیانی اس آیت کی تشریح کیا کرتا ہے کہ وہ رسول جو ہدایت و حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ آیا. یہ ایک سیکنڈ میں حوالہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. جی مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد ایک صفحہ نمبر 553. یہ مرزا قادیانی کی اوریجنل کتاب ہے, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اور اس آیت کی تفسیر مرزا قادیانی نے کی والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل. اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے, اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفات اور اقطار میں پھیل جائے گا. یہ حوالہ مرزا قادیانی اسی آیت کا خود ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہر طرف وہ دین کو پھیلا دیں گے. یہ 10 آیت مکمل ہوئی اور 10ویں آیت میں مرزا قادیانی کی اس آیت کا ترجمہ. اب یہاں سے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مرزا قادیانی نے 9 موقف پیش کیے اور ان 9 کا حال میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں. ایک سے ایک بڑھ کر مذائقہ خیز ہوگا. پہلا تو یہ کہ مرزا قادیانی کا موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے. اس پر مرزا قادیانی کے 3 حوالے ہیں. ایک تو میں نے تو ابھی دکھا دیا اور دوسرا بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 601 پہ ہے کہ حضرت مسیح نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے. دوسرا بھی اسی کتاب میں بولا ہے. اور تیسرا جلد 3 کے اندر ہے کہ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیشی گوئی موجود ہے. یہ بڑی انٹرسٹڈ حوالہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا. اس کے اگلا جو حوالہ پیش کرنے جاؤں گا نا وہ آپ کو دونوں حوالے ذہن میں رکھنے کی تو بات کریں گی. یہ روحانی خزائن جلد 3 میں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی پیشین گوئی قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی پہلے دلیل بھی میں نے پیش کر دی. 2 مقام پر اس نے آیت قرآنی کا ترجمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ اس کا پہلا موقف جب وہ بندے کا پتر تھا, جب وہ مسلمان نام کا تھا, جب وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا, جب وہ مسلمانوں کے مدارس میں پڑھتا تھا, تب اس کا یہ عقیدہ تھا. تو اس نے یہ لکھا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی بات موجود ہے اور قرآن کی پیشین گوئی میں یہ واضح طور پر ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے. اب اس کا دوسرا موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. یکدم یہ ایک نیا تضاد ایک بندے ایک ہستی کے بارے میں دو رائے. پہلے کہہ رہے وہ زندہ ہے اور دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے, اور اب کیا کہہ رہا ہے دوسرا موقف ہے کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اب اس کے میں 2 حوالے کوٹ کروں گا جلد 3 کے لیے صفحہ نمبر 402 اور صفحہ نمبر 423. 2 کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جناب اس لیے اس نے مجھے بھیجا, عبارت اس کی پڑھ رہا ہوں, اس لیے اس نے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے
چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. یعنی مرزا کی اپنی کتاب اسی کے ابتدائی لفظ حصوں میں، یعنی میں وہ دوبارہ پیج دوڑا دوں، اسی تین جلد کے 464 پیج میں مرزا قادری کہہ رہا ہے کہ قرآن کی پیشن گوئی میں یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، اور جلد ایک میں آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور نہایت جلالت کے ساتھ آئیں گے اور دین کو اقطار و اقنام میں پھیلا دیں گے. تین والے اور یکسر اسی کتاب میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، مجھے الہام ہوا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اور اسی میں دوسرا حوالہ 423 میں، 423 صفحہ میں، چند صفحے آگے چھوڑ کر 402 سے آگے 423 ہے نا، تو اس کی عبارت سنیے. کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کی نئی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے، ایک نئے کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے وہ تبارک رکھتی ہو، پیدا ہو جائے، جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہی ہوتا ہے. اس نے کہا، سوری یہ حوالہ میں دوسرا پڑھ گیا ہوں، یہ حوالہ بڑا نمایاں ہے، سوری جو میں نے حوالہ پڑھا وہ اس کے ساتھ والے پیج میں ہے لیکن اس سے متعلقہ نہیں ہے. یہ حوالہ ہے مرزا کہتا ہے قرآن شریف کی 30 آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اب اسی کی صفحہ نمبر 464 اور اسی کے صفحہ نمبر 423 میں کتنا تضاد ہے وعدے. 464 میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی پیشینگوئی قرآن میں موجود ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ 423 میں کہتا ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات مبارکہ ہیں جن سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے. اب اندازہ کریں کہ کیسا جہل مرکب ہے، کیسا پاگل ہے، کیسا مالی بولیے تمریض اور فاطر العقل ہے، بے وقوف ہے پرلے درجے کا. اسی کتاب کے چند صفحے آگے قرآن میں ثابت کر رہا ہے اور اسی کتاب کے چند صفحے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی 30 آیتوں سے مرزا حضرت مسیح علیہ السلام کی موت ثابت ہو رہی ہے. تو یہ دوسرا موقف ہے اس کا. پہلا موقف کیا؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. دوسرا موقف، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اب تیسرا موقف سنیے اور مزہ لیجیے، یہ آپ کو تھوڑی سی نا اس پہ ہنسی بھی آئے گی. یہ کیسا ہے مرزا قادیانی تیسرا موقف یہ دے رہا ہے کہ میرا سب سے بھاری بوجھ یہ ہے، جلد 15 دکھائی دی، روحانی خزائن کی جلد 15 میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا سب سے بھاری اور بڑا بوجھ یہ ہے کہ میں نے حسی دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور ان کی قبر بھی بتا دی ہے کہ قبر کہاں ہے. یعنی اپنے موجزوں میں سے سب سے بڑا موجزہ جس کو وہ کہہ رہا ہے نا، بھاری موجزہ کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے وہ موجزہ میرا ہے کہ میں نے قبر عیسیٰ بھی بتا دی اور حضرت عیسیٰ کی موت بھی ثابت کر دی. اب سنیے ذرا اس بھاری موجزے کا حال، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، فوریت نہ ہو جائے، آپ کا دل و دماغ اور حاضر ہو. یہاں ایک بندہ نجیب رہتا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر پوری زمین پہ کسی ایک جگہ پہ بنے گی نا، ہو رہی ہے نا بھائی، اس کا وجود ایک ہے تو کسی ایک جگہ پہ قبر بنے گی نا. کیا کوئی بندہ نجیب کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی قبر گجراوالا میں بھی ہے اور وہی بندہ کہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی ہے اور وہی بندہ کہے نہیں اس کی قبر جو ہے وہ ہندوستان میں بھی ہے، بتاؤ اس کی بات کو کس لیول میں آپ سمجھو گے؟ یقین کہیں گے نا یہ کوئی مذاق ہی کر رہا ہے نا، ایک بندے کی قبر تین جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عام بندہ کہے تو آپ کہیں گے یار تم جھوٹ بول رہے ہو. تو اتنا ذمہ دار جو مرجعیت کا پوپ ہے، مرجعیت کا گرو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا سب سے بھاری بوجھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے موت عیسیٰ ثابت کی دلائل کے ساتھ اور پھر قبر بھی بتا دی کہ کہاں ہے. اب سنیے قبر کہاں کہاں ہے. پہلا لفظ جلد 3 پہ صفحہ نمبر 473 لکھیے. یہ چار حوالے رپورٹ کرنے کے تو آپ کو لطف آئے گا. مرزا کہتا ہے جی حضرت عیسیٰ اپنے وطن گلیل میں
जाकर फौत हो गए और वही उनका जिस्म दफन हुआ। ठीक है, एक जगह बता दी जैसे बदल गई। अब मिर्जा कादियानी ने जिल्द 8 में मिर्जा कादियानी कहता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र बलाद शाम में है। ये दूसरी किताब जिल्द 8 रूहानी खजाइन की, और कहता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र जो है वो बलाद शाम में है। ठीक हो गया, दो शहर, एक बदल गलील और एक बलाद शाम। तीसरा सुनिए जरा, इसी जिल्द 8 में, मजे की बात है, इसी किताब में बलाद शाम से बिल्कुल आगे कहता है कि हजरत ईसा की कब्र बलद अक्दस में एक चर्च है, उस चर्च में बैतुल लहम और बलद अक्दस में 30 कोस का फासला है जहां हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए थे, वही हजरत ईसा की कब्र है और उस पर एक बड़ा गिरजा बना हुआ है जो तमाम बड़ों से गिरता है, उसके साथ ही हजरत मरियम सिद्दीका की कब्र भी है, हजरत मरियम की। तो ये बलद अक्दस, बलाद शाम, बदल गली, तीन शहर हो गए। अब जरा तवज्जो करना, इस 14 नंबर जिल्द दीजिए, 14 नंबर जिल्द में मिर्जा कादियानी ने कमाल ही कर दिया, कहता है हजरत ईसा अलैहि सलाम की जो कब्र है ना वो कश्मीर में है, मल्ला श्रीनगर, श्रीनगर मल्ला कश्मीर, जन्नत नजीर श्रीनगर खान यार के मल्ला में बायज़ो इत्राम दफन किए गए हजरत ईसा अलैहि सलाम। ये जिल्द 14 के पेज नंबर 155 में मिर्जा कादियानी ने हजरत ईसा की कब्र कश्मीर में बताई। मेरी एक मर्दई से जब बहस हुई, अब दो जो करे, ये चारों वाले मैंने दिखाए, मैंने कहा कब्र एक ही जगह होनी है, बंदा तो एक है, वजूद एक है, कब्र एक जगह है, इन चारों में से तुझे ऑप्शन देता हूं किसी एक जगह को तस्लीम कर, चारों को तो कर नहीं सकता, किसी एक जगह को कर। उसने कहा जी बलद अक्दस में गिरजा में, मैंने कहा तो जो बाकी तीन है क्लास बहुत ही सादा है, थोड़ा सा बोलने में हर्ज कोई नहीं है वैसे, मैंने कहा ये जो बाकी तीन है वो क्या है, चुप हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारे नजदीक सच हुई ना एक जगह, तो बाकी तीन तो झूठ हुई ना, ये नहीं बोल रहा। मैंने कहा तू बोले तो मैं जान छोड़ूंगा, मुनाजरा इस पीक पर पहुंच चुका था। मैंने कहा एक सच है तीन झूठ है, वो तेरी मर्जी, ऑप्शन तुझे देता हूं, कोई एक मान ले तीन को तूने झूठ बोल रहे, और जो झूठ बोलना है फिर बताना है कि ये झूठ लिखा किसने है, लिखने वाला झूठा है, लिखा झूठ है, तो जो झूठा है उस पर लानतुल्लाह है नाज़िम, झूठे पर खुदा की लानत है। मुनाज़रा खत्म हो गया, मैंने कहा चारों में से एक को चुन ले, बाकी तीनों के बारे में फैसला भी कर, ताकि उठ कर चले जाए। कह लगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बात सच है, वो बंदा अक्दस में है, वो कच्चे घर में उनका जो बंदा अक्दस में है वो वहां पर उनका मिजाज है। मैंने कहा तो बाकी तीन मिर्जे की किताब है, या किताबों का इंकार कर, लिखने वाले का इंकार कर, हवाले का इंकार कर, नहीं कर सका। बिलाकर जब बड़ा मजबूर हुआ तो उसने लिखा तो नहीं लेकिन बोल कर रुका, उसने कहा लगता तो ऐसी है कि बाकी तीन हवाले गलत है, झूठ है, तो मेरे लिखने वाला कौन है? ये लगा यकीनन वो झूठा होगा, तो मैंने कहा जो झूठा हो वो इमाम मादी या मसीह हो सकता है? झूठ मूठ बोल
किया, ये किया, वो किया। तो बिलाकर हमारे वकील साहब खड़े हमारे के, उन्होंने मुझे दावत दी, मैं चला गया। किताबें अभी तक मैं गाड़ी की डिग्री में गई, मैं अंदर देना चाहता हूँ आपको, लुत्फ आएगा। गाड़ी की मैं खाली की, मेरे साथ मेरे रफीक सफर है, ये भी एडवोकेट है, रफीक अजीब साहब, मैं और ये दोनों बैठ गए कमरे में, वो भी आ गया, तीन और आदमी थे, दो वकील थे, एक मेजबान था घर का, कुल हम छह के सात बंदे थे। उसने देखा कि मैं बिल्कुल मतलब किताबों शिताबों के बगैर बैठा हूँ और पेंट शर्ट पहनी यूनिफॉर्म में हूँ, एडवोकेट है। तुमने कहा इनको खुद क्या पता होगा मसले मसाइल का, तो उसने कहा कि मेरा तारफ ये है। उसने बड़ा लंबा छोटा तारफ कराया और मैंने कहा कि मेरा तारफ ये है कि मैं हजूर का गुलाम हूँ। और बात खत्म होगी तारफों पर, छोड़ कर बात करती है। मैंने कहा हानि बात करो, याद मसीह साबित करनी है। मैंने कहा याद मसीह भी साबित कर लेते हैं, पहले ये बता कि तू मिर्जाई है। कहते थे नहीं मैं एमडी हूँ। मैंने कहा चलो तू बताओ तुम्हारे एमडी मिर्जे को मानते हो तो एमडी हुए, जो उससे वाले से ये बताओ कि तुम मिर्जा खादयानी को मानते क्या हो। अब मैं ना थोड़े से अंदाज में बदल कर कुछ मुनाजरे आपको देना चाह रहा हूँ। अब हम ये अंदाज है याद रह जाएंगे इंशाल्लाह तो जिंदगी में काम आएंगे। मैंने कहा भाई मिर्जा खादयानी को क्या मानते हो? क्या लगा जी हम उसको उनको मसीह माऊद मानते हैं। मैंने कहा पक्की बात है? क्या लगा जी बिल्कुल पक्की बात है, मसीह माऊद। मैंने कहा फिर सोच ले थोड़ा सा, लिख दे। कहने का लिखना लिखना नहीं है, उनकी आदतों पर डिक्टेशन दी होती है कि लिख के कुछ नहीं देना, बोलते जाना है बस, तावीज़ें घड़ते जाना है और झूठ मार के निकलना है। हनस गए तो माफ़ी मांग जानी है, अगला दायम हुआ तो चढ़ाई कर देनी है। तो जो उनका वो तरीका वारदात है वो तो आप समझते हैं। अल्लाह के फजल से 20 साल हो गए, 18 साल अल्लाह के फजल से और हुज़ूर की नज़र रहमत से साहिब उम्मत क़ज़ा की, बगैर किसी हज़ो गाय के दुनिया के, सिर्फ अपनी कब्र और हुज़ूर की उम्मत का ईमान बचाने की खातिर निकल रहे हैं, कोई और गाय के दुनिया नहीं। और एक कारकुन की हैसियत से जब सामने बैठा था, मैंने कहा अच्छा ये बताओ मिर्ज़े को क्या मानते हैं? कहने लगा जी मसीह माऊद। मैंने कहा पक्की बात लिख ले? कहने लगा हाँ जी मसीह माऊद मानता हूँ। मैंने कहा कुछ और कहता तो लिख? कहते नहीं नहीं मसीह माऊद। मैंने कहा मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है जो मुझे मसीह माऊद मानता है वो झूठा है। तुम्हारा बात तो गलत है। मैंने कहा मिर्ज़ा कहता है जो मुझे मसीह माऊद मानता है वो झूठा है, वो कज़ाब है, मुफ्तरी है। क्या लगा दिया है बिल्कुल तुम मौलवियों को सुनी गल साढ़े ना कर रहे हो? मैंने क्योंकि भी कहते जी मौलवियों ने गल बताइया ने भाई, हमारी मजहब की बुनियाद ये है कि हम मिर्ज़ा को मसीह माऊद मानते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब हमें कह रहे हैं कि जो मसीह माऊद मुझे मानता है वो झूठा है, वो मुफ्तरी है, वो कज़ाब है, ये कैसे हो सकता है? हमारे तो पूरे मजहब की वो बुनियाद ही खत्म हो गई। कर दो ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा यार मैंने मौलवियों से सुना है, वैसे चलो किसी मौलवी से रब्ता करेंगे पूछ लेंगे, तो अगर ये साबित हुआ तो फिर कह लगा जी बड़ा जोर से हाथ मारते ना टेबल पर, कह लगा जी अगर ये साबित हो गया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने ये लिखा है कि जो मुझे मसीह माऊद मानता है वो कज़ाब है, तो मैं मसीह छोड़ दूंगा। मैंने कहा तुमने छोड़नी मोड़नी कोई नहीं, मुझे लग रहा है जितना तो पक्का है दीदी छोड़नी कोई नहीं, लेकिन तुझे मैंने दिखा दिया। कहना कि टाइम बना रहो, जब उसको पता था कि किताबें शिताबें हैं कोई नहीं, टाइम बनेगा, ये मौलवी से पूछ के आएगा, वादा तलाश करेगा, वक्त लगेगा, फिर दोबारा पता नहीं मुलाकात होगी ना, पर तो मारे चले ना इनका स्टाइल होता है। कहेगा मैं मृतक छोड़ दूंगा आपकी साबित कर दे, तो जाएंगे इस मर्जी मौलवी से पूछे। ये मौलवियों की ऐसी बातें वो तकरीरों में जज्बाती कर देती है, ना उनका सिर पैर होता है। मैंने कहा अच्छा जनाब किस दिन का रख ले? कहेगा जब आपका दिल करे। मैंने कहा अभी ना कर ले? सुनिए अबारत, पहले सुनिए ये 50 भी लीजिए। मिर्ज़ा की इबारत है मैंने
पिछली लाइन भी पढ़ देते हो, रिकॉर्ड हो जाए। इस आजिज ने जो मसीह मौजूद होने का दावा किया है, इसको कम फहम लोग मसीह मौजूद ख्याल कर बैठे हैं। आगे जाके लिखता है, मेरा मैंने ये दावा हरगिज नहीं किया कि मैं मसीह बिन मरियम हूं। जो शख्स ये इल्जाम मेरे पर लगावे वो सरासर मुफ्तरी और कजाब है। जब मैंने ये वादा सामने रखा ना, तो 3 मिनट तक कभी आगे कभी पीछे के सफे मैंने कहा पूरी किताब पढ़ ले, मैं इधर ही हूं। पूरी किताब से ये मसला नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 लाइनों से जो चैप्टर शुरू हो रहा है, तो यहां पर मिलता ने लिखा जो मुझे मसीह इब्ने मरियम मेरी मसीह मऊद कहे वो मुफ्तरी है, कजाब है। मैं मसीह मऊद इब्ने मरियम नहीं हूं, मैं तो मसीह मऊद हूं। मसीह हूं मऊद का, यानी उसकी मिस्र हूं। मैं ऐन ईसा नहीं हूं, मैं तो उसके मिस्र हूं। तो मुझे ऐन मसीह है वो कजाब है। मैंने कहा मुरब्बी जी, अब अल्लाह तुम्हारे सामने किताब तुम्हारे मिर्जे की, तुम्हें वो मुफ्तरी कह गया है, अब मिर्जे पे लानत उतार दो। दुनिया में पहला मर्द है जो हमला होगा, यह वाला है। मिर्जा कहता है मैं
मिलाओगे। फिर वो हमल जो 10 महीने का था उसके बाद क्या हुआ, उसमें से फिर मैं पैदा हुआ और मैं वर्ल्ड में हूं। दुनिया का पहला शख्स है जो मैं वर्ल्ड में है, जो खुद ही बीबी बना और फिर खुद ही हमला हुआ और हमल भी वो 10 महीने का। अगर मादरस से तलबा बैठे और अबा भी बैठे इजाजत हो तो उस्ताद की तदहीक करना तो वैसे ही साहबा की सुन्नत है। तो एक जुमला कहने देता है, इंसानी अमल 6 महीने से 9 महीने तक का होता है, इंसानी अमल 6 महीने से 9 महीने तक होता है और साइंस बताती है कि 10 महीने का अमल खोती का होता है। ये बात उलमा इसकी तहकीक करेंगे, साइंसदान पढ़े लिखे, 10वां महीना जो है वो जानवरों में से खोती का अमल होता है और मिर्जा कहता है कि मेरा अमल 10 महीने का हुआ। अब अमल नहीं बताएंगे कि वो किस जानवर का अमल था और उसमें से फिर मिर्जा ही पैदा हुआ और वही फिर ईसा इब्ने मरियम बन गया। तो ये उसका है 6ठा मौकिफ। 7वां मौकिफ जिल्द 17 सफा 83 पे। अच्छा ये बड़ा कमाल का और मजाका खेद है, मिर्जा कहते हैं वो जो मसीह आसमान से आना था ना, मसीह आसमान से आना था क्योंकि पहले उसने किताबों में लिख दिया कि वो आसमान से दोबारा नजूर करेंगे और दुनिया में दीन को फैला देंगे, तो वो खुद लिखता है कि वो जो आसमान से आया ना वो मैं ही हूँ। कहता मैं ही आसमान से उतरा हूँ, मिर्जे का दावा है कि मैं आसमान से उतरा हूँ। मेरे मर्जे से बात मैंने कहा बगले मिर्जा कादरी की तो माँ का नाम है चिराग बीबी उर्फ सिटी, उसकी तो डेट ऑफ बर्थ भी आगे तो उसमें इख्तलाफ है, उसके बेटों ने 10 साल आगे पीछे किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लिखा है कि ये चिराग बीबी उर्फ सिटी का और खुद मिर्जा ने लिखा है त्रियामत कलूम में कि मैं और मेरे साथ एक बच्ची पैदा हुई, मेरा सर उसके टांगों में था। ऐसा 14 आदमी पैदा हुआ कि मेरा सर बच्ची की टांगों में था, उसका नाम जन्नत बीबी था और वो दुनिया में आते ही फौत हो गई, मैं माँ बाप के यहाँ आखिरी बेटा था तो मेरे बाद कोई माँ बाप के यहाँ औलाद नहीं, मिर्जा खुद अपनी विलादत और जन्म बयान करता है। तो इसके बावजूद फिर वो आसमान से कैसे उतर आया, वो तो कहता है मैं माँ के पेट से आया और मिर्जा जब बड़ा हुआ तो उसने झूठ बोला कि मैं आसमान से उतरा हूँ। कितना बड़ा तजाद है, ये मौकफ है 8। नामा मौकफ़ है, मिर्ज़ा कादरी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि वो जिंदा है ये तो नीरा शिर्क है, ये तो नीरा शिर्क है। और दूसरी जानब क्या कहता है कि हज़रत ईसा की हयात और मौत के बारे में बात करना ये कोई अहम बात ही नहीं है, ये फजूल बात है। एक तरफ कहता है ये शिर्क है और एक जगह कुफर भी कहता है और एक जगह कहता है ये बिल्कुल मामूली सी बात है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ये ईमानियात में से नहीं है, ये तो वैसे पेशीनगोइयों में से एक पेशीनगोई है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके अलावा। एक मरदई से एक और मुनाज़रा भी आपको दे देता हूँ, बड़ा फुर्तीला था क्योंकि इनको चंद बातें रटाई होती हैं और उन रटाई हुई बातों से तोते की तरह आगे पीछे सवाल कर लिया जाए तो ये मजबूत हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो पढ़े लिखे इतना नहीं होते, सिर्फ चंद चीज़ें रटाई होती हैं, चंद जुमले चंद वो कुछ दलीलें तबीले करके रटाई होती है, वो जब धड़ा धड़ बयान करते हैं तो अगला समझता पता नहीं कितना बड़ा पढ़ा है, वो भी वादा दे रहा है, ये भी वादा दे रहा है, आयत भी पढ़ रहा है, हदीस भी पढ़ रहा है, तो उसे आगे पीछे जरा घुमान है तो खाली खान पांडा होता है, कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह का पुरम भी बड़ा तेज तरह कहना है जनाब हयात मसीह पर बात करनी है, इनको मौजू ये है, हालांकि मौजू और भी है, मौजू तो असल ये है कि मिर्जा क्या है, मौजू तो असल ये है कि मिर्जा कादरी क्या है, उनका भट्टा इसकी हकीकत समझो और इसकी हकीकत बयान करो बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये उम्मत को गुमराह करने के लिए और साधारण लोगों को मतलब पहुंचाने के लिए और मोहम्मद गुस्से में डालने के लिए ऐसी तबीले करते हैं, हयात मसीह पर बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा यार हयात मसीह पर बात करते हैं, ये दूसरा ये तीसरा छोटा सा मुनाजरा ले लें, कबूल करें, इसके बाद एक और पेश करूँगा कुछ फ़ायदा और तालिबे इल्मों के लिए खास है। मैंने कहा जनाब ये बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी ने एक जगह एक उसूल लिखा है, यही जो मैंने वाला गौर कर रखा दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी ने रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 660 में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना तो मेरा शिर्क है, वो तो फौत हो चुके हैं। मैंने कहा
मैंने कहा ये हवाला मिलता नहीं लिखा है, तो कहने लगा जी बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, मिर्जा साहब ने तो लिखा है तो ये ठीक है, हयात मसीह मानना नीला शिरक है। तवज्जो करना, मुनाजा खत्म होने लगा है, जुमला एक ही है, इसको समझ आए कबूल कर ले। मैंने कहा मिर्जे की किताबों से ये साबित है कि 52 साल मिर्जा कादियानी हजरत ईसा को जिंदा मानता रहा। अब बकौल इस उसूल के मिर्जा मुशरिक हुआ कि नहीं? जो खुद मुशरिक हो तो नबी कैसे हो सकता है? बात खत्म। तो जनाब सारी तवीले दलीले इतना पर्चा लिए हजरत वापस रफी साहब जेल में, और मैंने कहा जो खुद मुशरिक 52 साल हो और 53 साल में उसको ये इनाम मिले हजरत ईसा फौत हो गए जिंदा नहीं है, तो 52 साल वो शिर करता रहा, 52 बरस शिर करता रहा, तो जो खुद मुशरिक रहा वो नबी कैसे? जवाब नदारत जमीन जुम्बद ना जुम्बद बोल मोहम्मद समझ आ गया। अब आगे एक और हवाला कोट करने जा रहा है और इस पर वो आखिरी है, इस पर इसके बाद फिर जो है ना अगर मुनासिब समझे वक्त कम जो दादा नहीं है ना मेरे पास घड़ी है ना सामने लगी है, मैंने कितना वक्त लेना है, अभी तो हदीस की तरफ नहीं आया मैं, अभी सिर्फ आयात के बाद मिर्जे के 9 वाकफ मैंने उसके 9 हवाले 9 उसके जो दावे हैं वो मैंने पेश किए और एक से एक बढ़कर मुतजाद है। अब मिर्जे को आप पकड़ सकते हैं कि इन 10 में से सच्चा एक होगा, 9 झूठे होंगे। ऑप्शन को नहीं देते बड़े लोग जो होते हैं ना, खुली ऑप्शन देते हैं, कहते हैं ना मैदान का खिलाड़ी जो होता है ना वो कबड्डी के मैदान में वो उसको बार बार उठाता है, आ खुल के आ खुल के खेल उसको, जिसको अपनी वो अपनी ताकत में अपने उसूलों पे अपनी वो कबड्डी पे नाज होता है ना उस्ताद के बताए हुए रंगों पे, तो वो दूसरे मुखालिफ प्लेयर को वो मौका देते हैं दोबारा। तो आपने कादियानी को मौका देना है कि इन 10 में से किसी एक को सच्चा मान लो, किसी एक को चार तुझे इजाजत है जिसको तेरी मर्जी है, एक को सच्चा मान, 9 को क्या मानना पड़ेगा? बोलिए 9 को क्या मानना पड़ेगा? झूठा। तो जब 9 को झूठा मानेगा तो मिर्जा क्या साबित होगा? झूठा। तो जब मिर्जा झूठा साबित हो जाए बात ही खत्म हो गई, झूठे पर तो खुदा की लानत है, तो लानतुल्लाह भी झूठे पर खुदा की लानत है, बात खत्म हो गई। अब एक और इसी अंदाज में एक बड़ा खास हवाला है, वो जिल्द 3 में सफ़र 500 लिखा, सॉरी जिल्द 19 सफ़र 18 जिल्द 19 सफ़र 18। अब तो जो करिए एक मरबी आ गया, एक और जगह का वाक्य है, ये समुद्री के करीब आगे एक और रेल का स्टेशन आता है समुद्री से आगे, कि वहाँ पे एक ऐसा वाक्य है मरबी वही शातर वही पुराना अंदाज हयात मसीह में बात, हयात मसीह हयात ईसा में बात करनी, उसकी मुंह से जुमला ये निकला हयात ईसा पे बात करनी है। मैंने कहा केड़े ईसा थे? तो जो रफी के तो बात समझ आई, अभी भी मैंने इसकी कोशिश की है जिस चंद अवामी अंदाज है अवामी जुबान में बात हो, कहने लगा हयात ईसा ने क्या करनी, मैं कह केड़े ईसा थे? कहने लगा भोला बनना है हजरत ईसा ने याद है। मैं कह केड़े हजरत ईसा? साडे पिंड च भी मैं कह 3 बाबे ईसा रहते ने, एक चाचा ईसा लोहार है, एक ईसा कपड़े वाला है, तू केड़े हजरत ईसा दी गल, कोई बुजुर्ग भी हजरत ईसा होए ने, तू केड़े ईसा दी गल करन लगा? कहंदा भोला बन गया ना आ कौम नु की समझना गल्ला करके चला जाएगा। मैं कह जी मैं जान नहीं लगा, मैं इथे बैठा तुसी दसो केड़े याद ईसा दे गल कर रही? कहंदा ईसा इब्ने मरियम दे, वो जो है ना ईसा इब्ने मरियम। मैं कह जनाब का नाम की है? कहने लगा जी नासर। मैं कह जनाब किदे बेटे ने? कहने लगा जी अब्दुल लतीफ दा। हजरत को दाद लवांगा दुआ लवांगा आखिरी इस जुमले दे आए है। मैं कह तेरा नाम की है? कहने लगा नासर। मैं कह किदा पुत्र है? कहने लगा अब्दुल लतीफ दा। मैं क्या मैं तेरे को पूछे कि पुत्र है तो तू इतनी अबे का नाम ले है अम्मा का नाम क्यों नहीं लिया? कहता की मतलब?
जो भी शिद्रा चलता है, जो भी कोई तारफ कराता है, अपने बाप वालों कराता है, तो मैं बाप वालों कराया। मैं कहते ईसा अलैहि सलाम का मां वालों क्यों कराए? ईसा इब्ने मरियम मां वालों क्यों कराए? कहता जी मैं लगता है भोले बोलते ही हो, या तो पता नहीं थी या जान के लगे हो। मैं कह मैं पता नहीं था छड़। कह लगा हजरत ईसा अलैहि सलाम के वालिद नहीं सन, वो कुदरत खुदाबंदी ने पैदा होए, हजरत मरियम के बेटे नहीं। इस वास्ते कुरान ने जगह लिखा ईसा इब्ने मरियम के। अच्छा वाकई पक्की गल है कि हजरत ईसा का बाप कोई नहीं? मनाजराना पेपर कह लगा जी बिल्कुल पुराने पाक साबित है, खुली बात है, हजरत ईसा का बाप कोई नहीं। मैं कहते जिहड़ा बंदा है कभी हजरत ईसा का फलाना बाप है वाली और मानने वाले उससे बड़े बेवकूफ हैं जो इस तजल फ्रेब और झूठ को भी
ذکر ہے کہ وہ غلبہ اسلام ہو جائے گا اور سارے اہل کتاب قرآن کہتا ہے کہ ان پر ایمان نہیں آئیں گے, تو پھر کافر تو دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. میں نے کہا وہ اگر مسیح آ گیا ہے تمہارے نزدیک تو مجھے بتا اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کیا اس وقت دنیا میں کوئی کافر ہے کہ نہیں؟ کیا لگا کافروں سے دنیا بھر پیدل ہی ہوتی ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ کیا لگا ہے؟ میں نے کہا عیسائی ہے, یہ ختم ہو گیا. سکھ, بدھسٹ, ہندو ہیں, کیا لگا ہے؟ میں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ کی تو آمد کی دلیل یہ ہے کہ ہر اہل کتاب ایمان لائے گا, کافر بچے گی کوئی نہیں, جہاد قتال ہو جائے گا, سارے مارے جائیں گے, صلیب توڑ دی جائے گی. صلیب ابھی موجود ہے اور خنزیر ابھی موجود ہے جنگلوں میں. تو میں نے کہا نشانی تو پوری نہ ہوئی. میں نے کہا بلکہ ہوا یہ ہے کہ تمہارے مرزے کے آنے سے کفر بڑھ گیا. کہہ لگا وہ کیسے؟ یہ آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں, بڑی عجیب سی. کہہ لگا وہ کیسے کہ ہمارے حضرت کے آنے سے تو ہمارا تو ماٹو یہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن, محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں, ہمارے آنے سے کفر کیسے بڑھا؟ میں نے کہا تمہارے آنے سے بھی اور تمہارے اندر کفر بڑھ گیا. تمہارے آنے سے مطلب یہ ہے کہ مرزا خود کفر ہے, کافر ہے, اس نے کفر کیا, اس نے کفر پھیلایا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر کفر بڑھ گیا, تمہاری جماعت کے اندر کفر ہے, تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتا ہے نہیں یہ تم ہی کہتے ہو, سنی شیعہ کو شیعہ سنی کو تم ہی کہتے ہو کافر, ہم نہیں کہتے. میں نے کہا نہیں ثابت ہے تم کہتے ہو, اور جب بھی کوئی مرضی تمہیں یہ دلیل دے نا یار تم فرقوں میں بیٹھے ہو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہو, مجھے تم نے کیا اسلام کر قبول کروانا ہے؟ اس کے لیے یہ دعا بڑی کارگر دلیل ہے. تو اسے کہنا کہ تمہاری جماعت کے ویسے تو 8 فرقے ہیں, لیکن جو بڑے فرقے ہیں وہ 2 ہیں, ایک قادیانی مرضی, ایک لوہری مرضی. قادیانی مرضی تو قادیان سے نسبت رکھتا ہے, اور جو ربا میں منتقل ہوا ہے بشیر الدین محمود اس کا بیٹا, یہ قادیانی مرضی ہے. اور جو لاہور میں ہیں لوہری, یعنی جو جن کا ہے نا یہ کیمپس پل ہے نا نہر کا پل کیمپس پنجاب یونیورسٹی والا, اس کے ساتھ درخت مارکیٹ کو جائیں نا تو ایسے ہی کوئی 15-20 مکان آگے جائیں تو درختوں کے جھنڈ میں ایک بہت بڑا بورڈ آپ کو نظر آئے گا دارالسلام. وہ لاہوری مرضیوں کا جو ہے وہ مرکز دارالسلام اس کے نام سے. تو وہ لاہوری مرضیوں کا اور ایک قادیانی مرضی. میں نے کہا تمہارے مرزے کے آنے سے کفر اس لیے بڑھا کہ جو قادیانی مرضی ہے وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں, اور جو لاہوری مرضی ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا نبی نہیں ہے, مرزا امام مہدی ہے فقط. بڑی اہم بات ہے اگر سمجھ آئے. قادیانی مرضیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا نبی ہے, رسول ہے, جبکہ لاہوری مرضیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا نبی نہیں ہے, امام مہدی ہے. تو میں نے کہا شریعت کا اصول ہے کہ جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے, اور دوسرا اصول ہے جو غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر ہے. جس کو سمجھ آئی ہے ایک بار تو سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا شریعت کا اصول ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر, اور دوسرا اصول ہے جو غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر. اب قادیانیوں کے نزدیک مرزا نبی, مرزیوں کے لاہوریوں کے نزدیک مرزا نبی نہیں, تو ہوا کیا؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر ہوئے, اور لاہوری کہتے ہیں مرزا نبی نہیں ہے, امام مہدی ہے, تو جو ان کو نبی مانے ان کے نزدیک وہ کافر. میں نے کہا تمہارے تو جماعت کہتے ہیں کفر ہے کہ لاہوری مرزیوں کو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں, اور قادیانی لاہوری مرزیوں کو کافر کہتے ہیں, اور مرزے کے آنے سے کفر بڑھ گیا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے کفر ختم ہو. یہاں ایک علیحدہ سے نشست ہوگی کہ قادیانی جو آیتیں لے کر آتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے اور اس کا رد کیا ہے, پھر جو حدیثیں بول جاتی ہیں ان کا رد کیا ہے. یہ تو بڑا لمبا سا چیپٹر ہے, پھر رہ گیا, لیکن چھوٹا سا چونکہ طالب علم ساتھی زیادہ بیٹھے ان کے لیے چھوٹا سا ایک عرض کر دوں. ایک اعتراض, مرزا قادیانی کہتا ہے نہ مرزے ہی کہتے ہیں سوری مرزے ہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تو قرآن ناری کو کیسے عبور کر کے گئے کہ کائنات کے ارد گرد قرآن ناری ہے؟ یہ مرزے ہی کہتے ہیں, اسلامی فلسفی نہیں ہے, یہ یونانیوں کا ایک پرانا سا تصور ہے کہ پوری زمین اس کائنات کے ارد گرد آپ کا ایک جو ہے نا وہ حالہ ہے اور ناری قرآ ہے, یہ ان کے نزدیک ایک فلسفی ہے, اسلام کے نزدیک یہ نہیں ہے. لیکن مرزیوں کا یہ اعتراض کہ اس آگ کی قرآن ناری کو کیسے عبور کر کے حضرت عیسیٰ چلے گئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے 3-4 جواب الگ الگ ہیں. پہلا جواب بڑا کمال کا ہے, بڑا کمال کا جواب ہے, وہ ذرا حوالہ دکھائی دے, وہ 8 جلد ایسا بٹا ہے, 8 جلد
सफा 18 ये इसमें मिर्जा कादियानी का अकीदा लिखा हुआ है। आज नौजवानों के लिए नई बात होगी, मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा हैं, जबकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। उलमा बैठे अहले इस्लाम के नजदीक हदीस से वाज़ेह साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और बुखारी वाली हदीस मशहूर नहीं बना से सुनी कि वो जो इंसानी शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे बगैर इजाजत, तो हजरत ने मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा तो आंख निकाल दी थी, फिर अल्लाह की बारगाह में गए, फिर इजाजत नहीं कराया, फिर वो हुआ, फिर वो मेराज की जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो रस्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज सलात पढ़ रहे थे, सलात बमानी नमाज बमानी दुरूद बमानी कुर्ब जिस बीमारी में लिया जाए, वो कब्र में सलात पढ़ रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और वही मूसा अलैहिस्सलाम को विसाल अहले इस्लाम के नजदीक मुसलमान है। मिर्ज़ा कादियानी इस जिल्द 8 में कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है। तवज्जो करना, अब मिर्ज़ियों को गले का फंदा बन गया। मिर्ज़ी ये इतराज हम पर करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान नाली को कैसे अबूर करके गए। हमारा सवाल है, तुम्हारे नजदीक मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, पहले तुम जवाब दो कि वो कैसे गए। जो जवाब तुम दोगे वही जवाब हमारा समझ लेना, नहले में देना। जो जवाब तुम दोगे कि कुरान नाली को हजरत मूसा कैसे क्रॉस करके गए, वही जवाब हमारा होगा। दूसरा, इसका जवाब बड़ा कमाल है, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबे गुरु नानक का जो चोला है ना, चोला पता क्या खेल का वाला है, बाबे गुरु नानक का चोला क्या आसमानों से नीचे आया है, हैं? वो बाबा असीद शबीर हुसैन शाह साहब आबदाबादी जुमला तक से फरमाते होते थे, नहीं पढ़िए जे मन इनकार करन ते आवे ते नबी दे नूर दा इनकार कर दे, जे मनन ते आवे ते खटी लस्सी नु मन आवे, हैं? यदि इनकार कर रहे हैं तो हजरत ईसा के जाने का इनकार है, और इकरार है तो इस बात पे कि गुरु नानक का जो चोला है वो आसमान से है। तो मैं मर्ज़ियों से पूछता हूँ, चोला कपड़े का है, वो कुर्रे नारी से कैसे आ गया? वो चोला कुर्रे नारी से कैसे अबूर करके आया? उसको आपने जलाया क्यों नहीं? मैंने कहा पगले मर्ज़ियों, ओए गुरु नानक के चोले को आप से अबूर करवा लेते हो, अल्लाह का नबी उस आप से अबूर नहीं हो सकता। और तीसरी दलील और इस्लामी और कमाल की दलील ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ये दोनों जन्नत से जमीन पर आए। जन्नत कहाँ है? सातों आसमान से ऊपर। जन्नत से जमीन पर आए तो पूछना ये है मर्दियों से कि वो जो कुर्रा नारी को अबूर करके आदम और हव्वा आए, उनको आग ने नहीं जलाया तो भेजा आसमान से जन्नत से नीचे गया तो वो कुर्रा नारी से महफूज ठहरे, तो जो रब ईसा को जमीन से आसमान पर ले जाएगा तो वो भी कुर्रा नारी से महफूज ले जा सकता है। और इसकी चौथी दलील है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया, फेंका गया, तो अल्लाह ताला ने कलाम किया नार कुनी बर्दम वसला अला इब्राहिम, है ना, आग सलामती वाली ठंडी हो जा। तो ये तय है, कुरान कह रहा है कि आदि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग जो है और वो आग भी इब्राहिम पर ठंडी हो गई, उनको जला न सकी, तो जो आग इब्राहिम को नहीं जला सकती अल्लाह के हुक्म से, वो आग ईसा इब्ने मरियम को भी नहीं जला सकती। इस तरह के और हैं, मैं देख रहा हूँ कि वक्त शायद ज्यादा हो रहा है, तलाक की तरफ नजरें हैं, एतराज़ तो उनके बहुत ज़्यादा है, उनके जवाब भी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लेकिन हमारी गुफ्तगू आज यहीं पे ख़त्म होती है। कोई सवाल है तो अस्मिर, तो अगर मुझे शरह सदर मिला तो मैं अल्लाह की तौफीक से आप तक जवाब पहुँचाऊँगा।